अगर तरावी के वक्फे में क्या कर लें, दो तरावी के दरमियान में क्या पढ़ें, कोई भी इस्तिग़फ़ार हो, अमल के दौरान अमल के बाद अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार बहुत पसंदीदा अमल है। और चार तरावी के बाद, अगर चार तरावी के बाद जो वक्फा होता है, वक्फा होता है उसमें इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, बड़े हजरत दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे ऐसे फूंक मार देते, जल्दी जल्दी अल्लाह काम कर देते थे। किसी ने एक दफ़ा पूछा, हजरत क्या है? फरमाया, मेरे मुर्शिद हजरत अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि चार तरावी के दरमियान में इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन डूब के पढ़ा कर अल्लाह तुझे तासीर देगा। अब फरमाया कोई डूब के पढ़ा कर अल्लाह तुझे तासीर देगा। अब फरमाया कोई दुआ के लिए कहता है ना, ऐसे हाथ करके एक दफ़ा कहता हूँ इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐसे हाथ कर देता हूँ, अल्लाह उसके काम बना देता है। और जो कोई कहता है हजरत दम फरमा दे, मैं इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन करके दम कर देता हूँ। और ये अमल की तासीर, अमल का कमाल, अमल की ताकत मिली कहाँ? तरावी के दौरान, चार तरावी के बाद जो वक्फा होता है जिसमें मुख्तलिफ दुआएं हैं, कोई दुआ का तायुन नहीं है, सुबहान अज़ल मुल्क वल मलकूत, सुबहान अज़ल इज्जत वल अज़मत वल हैबत वल कुदरत, ये दुआएं और बेशुमार दुआएं हैं, ये दुआ है, कोई मुस्तकिल दुआ नहीं कि ये पढ़ें। हर बुजुर्ग की अपनी एक तरतीब है और अपना तजर्बा है और सारी दुआएं ठीक हैं। अगर इय्याका नअबुदु फरमाए जो सारे कुरान में है, सूरत फातिहा में है, और जो सूरत फातिहा में है वो है, सारे कहो इय्याका नअबुदु, इय्याका नअबुदु, अल्लाहु अकबर। खुद सोचें, चार तरावी के बाद इस अमल को ना छोड़ें, चार तरावी के बाद इस अमल को ना छोड़ें। जबरदस्त अमल है, कमाल अमल है, हैरतअंगेज अमल है।